साथियों, दिल्ली के व्यापारियों के साथ, यहां के कारोबारियों के साथ भाजपा का बहुत पुराना भी रिश्ता है और बहुत करीबी रिश्ता भी है। भाजपा का हमेशा से प्रयास रहा है कि व्यापारियों की दिक्कतें कम हो, उनके परेशानी कम हो और वो खुलकर अपना काम कर पाए। यहां के व्यापारियों को आसानी से लोन मिले, जल्दी से जल्दी लोन मिले, कैश फ्लो में दिक्कत ना हो, इसके लिए बीते वर्षों में हमने अनेक कदम उठाए हैं। अब इस बार के बजट में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। साथियों, अभी तक 1 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले लघु उद्योगों को, व्यापारियों को ऑडिट कराना पड़ता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना पड़ता था। अब इस सीमा को 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाया दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि पहले 1 करोड़ तक आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा देना पड़ता था, सीए की रिपोर्ट लेनी पड़ती थी। अब 5 करोड़ तक ये कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार का देश के उद्यमियों पर, दिल्ली के लाखों व्यापारियों कारोबारियों पर विश्वास का ही ये जीता जागता उदाहरण है। अब 5 करोड़ तक के टर्नओवर पर व्यापारी जो कहेंगे उतना हमारे लिए काफी होगा। अब न दिल्ली और न ही देश के व्यापारियों को सीए ढूंढना पड़ेगा, न ही ऑडिट पर खर्च करना पड़ेगा। अब सारी प्रक्रिया और सरल कर दी गई है। साथियों, दिल्ली समेत देश के व्यापारियों की एक पुरानी शिकायत रही है कि उन्हें टैक्स अथॉरिटीज के बहुत दबाव का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए हमने पिछले साल इनडायरेक्ट टैक्स सेटलमेंट स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम ने अनेकों व्यापारियों को कानूनी केसों से मुक्ति दिला दी, बचा लिया। इसके बाद से ये भी मांग होने लगी कि ऐसी ही कोई स्कीम डायरेक्ट टैक्सेस के लिए शुरू की जाए। इस बजट में हमने व्यापारियों की, कारोबारियों की ये मांग भी पूरी कर दी है। अब डायरेक्ट टैक्स सेटलमेंट स्कीम के बाद लघु और मध्यम उद्योग के उद्योगियों की, उनके कामकाज में, उनकी शक्ति केस लड़ने में, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में, दफ्तरों में चक्कर काटने में, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बल्कि अपना वो बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए अपनी ऊर्जा लगा पाएंगे। साथियों, व्यापारियों को टैक्स विभाग के इंस्पेक्टर परेशान ना कर सके, इसके लिए सरकार द्वारा मानवीय दखल यानी ह्यूमन इंटरफेस को खत्म किया जा रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही है जिसमें टैक्स अफसर सीधे व्यापारी से संपर्क ही नहीं कर पाएंगे और जिनसे करेंगे भी, अफसरों को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये व्यापारी किस शहर का है, कौन है। इस नई व्यवस्था से भी व्यापारियों की बहुत बड़ी टेंशन खत्म होने वाली है। सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। अगर दिल्ली का कोई मामला है, दिल्ली के अफसरों को भी मालूम नहीं होगा, वो ऑनलाइन कहीं गुवाहाटी में चेक होता होगा, कहीं ऑनलाइन जोधपुर में चेक होता होगा और कागज देख करके निर्णय होंगे, चेहरा देख करके, जेब देख करके काम करने के तरीके कभी नहीं चलेंगे।